आज के टाइम में बहुत सारे चैनल पर रियूज कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम आ जाती है, और इससे क्या होता है कि भाई साहब चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होता और आपको 30 दिन का टाइम मिलता है कि 30 दिन बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई बाय मिस्टेक हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं। अब आपने अपील कर दी वीडियो बना के, अपील आपकी रिजेक्ट हो गई, 30 दिन बाद आपने फिर से रीअप्लाई करा, वो भी रिजेक्ट हो गया। अब आप क्या करें और आपको अब मोनेटाइज कैसे अपने चैनल को करवाना है, वो सब इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऐसा एक्चुअल में प्रॉब्लम होता क्यों है। तो देखिए, आपने खूब मेहनत करी, वीडियोज बनाए, तो दो तरह की चीजें हैं। कुछ लोगों को तो नॉलेज नहीं होती कि किस तरह की वीडियोज यूट्यूब पे अलाउ है, किस तरह की अलाउ नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए, क्योंकि नए नए यूट्यूबर होते हैं और नॉलेज लेना आज के टाइम में शायद कोई पसंद करे नहीं करे, नहीं करता है, यूथ तो बिल्कुल नहीं करता है, सबको पैसा चाहिए लेकिन सीखना नहीं चाहता, तो वो कभी भी पॉलिसी वॉलिसी की जो वीडियोस होती है वो नहीं देखता है, क्योंकि हम जितने भी पॉलिसीज की वीडियो बनाते हैं वो सब बड़ी बड़ी बनाते हैं, 20 मिनट 25 मिनट, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बनाता हूँ ताकि मैं आपको बारीकी से एक एक चीज़ समझा सकूँ। अगर रेगुलर आप मेरे व्यूवर है तब तो आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, लेकिन आप रेगुलर व्यूवर नहीं है तो ही आपको ऐसी दिक्कत आती है बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। इसके अलावा दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको पता है कि ये वीडियो पर मेरा रिव्यू आ सकता है, फिर भी वो रिस्क में रहते हैं और तुक्का लगाते हैं कि अरे नहीं आया तो देखेंगे। तो दोनों तरह के कंडीशन में आपको रिव्यूज की प्रॉब्लम आ जाएगी। रिव्यूज का प्रॉब्लम एक ही है, सिंपल सा, कोई भी ऐसी वीडियोस या कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपने अपने चैनल पे अपलोड किया उसमें आपने खुद की वैल्यू ऐड नहीं की, खुद की वैल्यू ऐड नहीं की तो समझ लीजिए उस पर रिव्यूज आएगा। अब होता क्या है कि YouTube का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कह सकते हैं इसको, या उसकी कुछ भी कह सकते हैं, पॉलिसी कह सकते हैं, कि YouTube जब आपके चैनल पर रियूज कंटेंट का प्रॉब्लम लगाता है तो आपको मेल तो भेज देता है कि आपके चैनल पर आपने रियूज कंटेंट डाला है इसलिए हम आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपील कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप अपने चैनल पर एडिट करके उसको सही करके 30 दिन बाद रीअप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताता कि आपके चैनल पे जितनी भी वीडियो आपने अपलोड किए सारी ही वीडियो में प्रॉब्लम है या कुछ वीडियो में प्रॉब्लम है, ये आपको खुद से ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और खुद से आइडेंटिफाई करके उन वीडियोस को डिलीट करना पड़ता है या उनमें जो भी एडिट करना है वो करना पड़ता है, उसके बाद आप रीअप्लाई करते हैं। उसके बाद आप रीअप्लाई करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप वो अच्छे से एडिट नहीं करते हैं, अभी भी आपको पता तो है नहीं ना किस वीडियो में रियूज की प्रॉब्लम है, और वो आपने वीडियो डिलीट भी नहीं किया वो है, उसके बाद फिर रीअप्लाई कर देते तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें एक सीधी से सिस्टम है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे ही आपको रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम आए आप अपने चैनल को अच्छे से देखिए, और अच्छे से देखने से मेरा मतलब ये है कि आप सबसे पहले, अगर आपको पॉलिसी की नॉलेज नहीं है तो आप पॉलिसी की नॉलेज ले लीजिए। कैसे मिलेगी पॉलिसी की नॉलेज? मैंने एक 17.5 मिनट का प्रॉपर वीडियो बनाया रियूज कंटेंट पे, और उसमें मैंने पॉलिसी प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सारी चीजें डाल दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके समझ ले। जैसे आपको रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाए उससे आपको एकदम आराम से समझ में आएगा कि मेरी कौन कौन सी ऐसी वीडियोज हैं जिनमें शायद रियूज की प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, अब आपको लगता है कि यार मेरे चैनल पे सच में कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिन पे सच में रियूज की प्रॉब्लम आई होगी, तब तो आप अपील मत करें, कोई फायदा नहीं है। और आपको लगता है कि यार मैंने सारी पॉलिसी समझ ली है, मेरे चैनल पे सच में कुछ रियूज नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं, आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ सच में मेरी कुछ वीडियो में प्रॉब्लम है, तो आप अपील मत करें क्योंकि वो रिजेक्ट ही होनी है। तो दूसरा ऑप्शन है कि 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अब इन 30 दिन में आप अपने चैनल पर सुधार करना है। सुधार क्या करना है? जिन वीडियो पर रिव्यूज आया है उन वीडियो को डिलीट करना है, लेकिन ये आपको मालूम नहीं है कि मेरी किन वीडियो पर रिव्यूज आ सकता था और जिन पर आया है। तो आप वही बात सेम पॉलिसी आपने पढ़ ली, आप अपनी एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखें पॉलिसी के हिसाब से, जो मैंने वीडियो बनाई ना उसको देखने के बाद आपको सब समझ में आएगा। फिर आप देखें कि मेरी कौन कौन सी वीडियो पर रिव्यूज आ सकता है, आप उन वीडियो को डिलीट करें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके अगर किसी वीडियोस पर, मान लो सपोज 200 वीडियो आपने डाली थी और मोनेटाइजेशन के लिए आप भेजिए, और उनमें से 2 या 3 वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ है, अगर कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ है तो आप उन वीडियो को डिलीट कर दें। आपको लगता है कि मेरी 3 वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ था, उन वीडियो को डिलीट कर दें, हो सकता है रिव्यूज उन पर की वजह से ही भी आया हो, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है। और एक चीज और है, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भी होता है कि रिव्यूज कंटेंट हम ले लेते हैं, अपने चैनल पे डाल लेते हैं, उन पर ऐड चलवा देते हैं और अच्छे खासे व्यूज उन पर ले लेते हैं। अब भले ही उसका जो वॉच टाइम है वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता, बट फिर भी बहुत ज्यादा व्यूज उन पर आए होते हैं ऐड की वजह से, और उन पर कॉपीराइट क्लेम भी आ गया क्योंकि वो रिव्यूज कंटेंट है। उस कंडीशन में भी उन वीडियोज को आप डिलीट कर दें। ठीक है,
और उसके बाद जब ये वीडियोस आपने डिलीट कर दी, आप ये देखें वीडियोस को डिलीट करने के बाद भी, चाहे कोई भी वीडियोस है, चाहे वो रियूज की आपको लग रही है, एड चलवाया आपने, कुछ भी, उन सबको डिलीट करने के बाद भी आप अपना वॉच टाइम चेक करें एनालिटिक में जाके, क्या अब 365 डेज के अंदर मेरा वॉच टाइम 4000 घंटे हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वॉच टाइम कम हो जाता है वीडियो डिलीट करने से, सब्सक्राइबर कम नहीं होते। अगर अभी भी आपके 4000 घंटे पूरे हैं तो आप अब आप रीअप्लाई कर दीजिए, आपका जो चैनल है वापस से मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब बहुत दिमाग से, बहुत गहराई से सोच के नहीं करेंगे और वापस से रीअप्लाई कर देंगे तो वही प्रॉब्लम है। यूट्यूब कभी आपको ये बताएगा नहीं कि इन वीडियो से उनको प्रॉब्लम है, इन वीडियो की वजह से आपको रियूज आ रहा है, और आपको फिर से रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी और फिर से आपको दिन रुकना पड़ जाएगा, और ऐसे आप चलते रहेंगे और टाइम जाता रहेगा और आपके चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसके बारे में तो कमेंट करें, और जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उसको जरूर से जरूर देखें, आपको रियूज की एक से एक बारीक नॉलेज मिल जाएगी। तो यही तरीका है रीअप्लाई करने का और अपने जो चैनल है उसको वापस से मोनेटाइज कराने का। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।